लोजी दोस्तों, जिसके लिए शहनाजियन से हद से ज्यादा एक्साइटेड, फाइनली सनराइज शहनाज गिल का न्यूज सॉन्ग आ चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुनने में बड़ा ही प्यारा लग रहा है। मतलब यार, एक तो वैसे ही वो ट्रेंडिंग में था जबकि शहनाज ने छोटे छोटे वीडियोज़ डाले थे, अब जब पूरी की पूरी वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाली है तो देख करके काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नोटिस करने वाली चीज़ें हैं वो शायद शहनाजियन ने नहीं करी होगी, क्योंकि शहनाजियन शहनाज से प्यार इतना करते हैं कि उन्होंने ये सब चीज़ें शायद इग्नोर कर दी होंगी। तो आइए आपको बताते हैं शहनाज गिल की वो छोटी सी कमी जो इस गाने में थोड़ी सी महसूस हुई। आइए बात करते हैं, स्वागत है आपका मेरे चैनल बॉलीवुड हाइलाइट्स में। चैनल पर नए हैं फटाफट सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ने से पहले मुझे भी जान लीजिए, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त यतिन अंसारी। हम आपको बता दूं कि शहनाज गिल सॉन्ग में काफ़ी ज़्यादा हंसी मस्ती चुलबुली अंदाज में नजर आई, वही शहनाज हमारे को इस बार नजर आई जो कि सिद्धार्थ के साथ हमारे को नजर आया करती थी। पहली बार शहनाज इतनी ज़्यादा खिलखिलाती हुई नजर आ रही है, और खास करके बात करें गुरु रंधावा और शहनाज की केमिस्ट्री की, तो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट केमिस्ट्री लग रही थी, क्योंकि हमें लग रहा था कि सिद्धार्थ के जाने के बाद शायद ही कोई होगा जो जिसकी शहनाज के साथ केमिस्ट्री परफेक्ट बैठेगी। लेकिन जब गुरु रंधावा के साथ ये सॉन्ग सुना तो देख करके फिर से सिद्धार्थ की याद आ गई कि हाँ हाँ, अब तो शहनाज को मिल गया है उनकी परफेक्ट जोड़ी वाले। क्योंकि जो हमने सॉन्ग सुना है ना, ये सॉन्ग देख करके ऐसे लग रहा है जैसे कि ये प्रोफेशनल कैमरे से नहीं बल्कि खुद गुरु रंधावा ने अपने शायद आईफोन से इसे शूट करा है, क्योंकि उसमें सिर्फ ऐसे लग रहा है जैसे हंसी मजाक करती हुई नजर आ रही है शहनाज गिल। कोई ऐसी परफेक्ट रोमांस वाली वीडियो नहीं है, ऐसे लगता है जैसे कि दो फ्रेंडों की आत्मकथा।